राजस्थान में लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद अब 4 जून को रिजल्ट जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी नेता वापस एक्टिव हो गए, जिससे प्रदेश में फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये दौर थमा नहीं था, लेकिन अब नेताओं की बयानबाजी ने फिर जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी एक पोस्ट के जरिए इसकी शुरुआत करते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं का मुद्दा उठाया और बीजेपी के पतन की बात कह डाली। अब बीजेपी नेता भी कैसे चुप रहते, तो राजेंद्र राठौर ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दे दिया। दरअसल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी के इन चुनाव में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेताओं की लायबिलिटी बनी, जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। गहलोत की इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने लिखा, गहलोत साहब, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिसमें कोई भी राजनीतिक नेता सवार होकर अपने भविष्य को दांव पर लगाना नहीं चाहता। आप जिन नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता रहे हैं, कल तक वो आपकी ही पार्टी के परफॉर्मिंग एसेट हुआ करते थे। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमरिंदर सिंह, गौरव बल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णम और अशोक चौहान और जैसे दर्जन वरिष्ठ नेता को आपकी पार्टी ने दरकिनार किया। इन नेताओं की वर्षों की तपस्या और मेहनत पर परिवारवाद हावी रहा। इन्हें भाजपा में वो सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे। 4 जून का इंतजार कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद सबसे बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लायबिलिटी का तमगा आपकी पार्टी कांग्रेस और युवराज राहुल गांधी को ही मिलेगा। वैसे भी लंबे समय से राहुल गांधी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के लिए लायबिलिटी बने हुए हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की बात करें, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 100 से ज्यादा बड़े छोटे नेताओं ने पार्टी छोड़ी। इनमें लंबे समय तक कांग्रेस में काम करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ ज्योति मिर्धा, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल भैरव, विजयपाल मिर्धा, सुरेश चौधरी, पंडित सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।